हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अभी अपना ये सेकंड वीडियो लेके आया हूँ माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। लास्ट जो पहला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ओवरव्यू दिया था पहले चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर 8051, जिसमें आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम हम लोग ने अंडरस्टैंड किए थे। अब ये जो मेरा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में उस टॉपिक पे कवर करने वाला हूँ जो ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए MSBT के बोर्ड एग्जामिनेशन में, विंटर 2019 एंड समर 2019 में जितने भी क्वेश्चंस ये पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड पूछे हुए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं कवर करने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर 8051 ये चैप्टर से ये दोनों एग्जामिनेशन मिला के टोटल जो मार्क्स वेटेज जो पूछा गया था वो 48 मार्क्स का था। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी हेल्प मिलती है ये चैप्टर को अगर अच्छे से आप लोग पढ़ोगे तो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ये चैप्टर से रिलेटेड पूछे हुए थे। तो सबसे पहला, और मैंने ये जो क्वेश्चंस को अरेंज किया हूँ वो सीरियली सिलेबस वाइज मैंने अरेंज किया हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ अभी था, कंपेरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो ये कंपेरिजन पूछता है, कभी 2 मार्क्स का भी पूछ देता है, कभी 4 मार्क्स का भी पूछता है, कभी 2 कंपेरिजन एक साथ पूछता है, तो उसमें भी ऐसा पार्ट करके पूछा हुआ रहता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं द कंपेरिजन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ये कंपेरिजन किया हुआ है, जैसा कि हम लोग ने, मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि माइक्रो प्रोसेसर में वो सारी इनबिल्ट चीज़ें नहीं होती है, मेमोरी, टाइमर, इंटरप्ट, सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सारी चीज़ें इनबिल्ट किसके अंदर होती है, माइक्रो कंट्रोलर। तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर जो है वो आपको वही दिखेंगे पैरामीटर, बहुत आसान है कंपैरिजन। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या पैरामीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर में दिया हुआ है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज, कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में। मैनी इंस्ट्रक्शन टू रीड राइट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी, इस माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करके थोड़ा ईजी करके, माइक्रो कंट्रोलर में देर आर फ्यू इंस्ट्रक्शन टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी के टॉपिक पे आते हैं पैरामीटर में, माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है, आपको अगर मेमोरी को इंटरफेस करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस जोड़ना पड़ता है, इंटरफेसिंग डिवाइसेस जोड़ना पड़ता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस कर सकते हो। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में डू नॉट हैव इनबिल्ट रैम और रोम, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट रैम और रोम रहता है। रजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या रजिस्टर्स कंटेन करता है, तो माइक्रो प्रोसेसर कंटेन जनरल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, सिर्फ इतने रजिस्टर इसके पास होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो सिर्फ जनरल रजिस्टर्स होते हैं जो सिर्फ प्रोग्राम को पॉइंट करने के लिए, स्टैक मेमोरी, स्टैक ऑपरेशन को यूज़ करने के लिए, और जनरल जो रजिस्टर HL जैसा आप लोग ने देखे होंगे अगर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में स्टडी किए होंगे, तो इसमें सिर्फ जनरल रजिस्टर्स होते हैं क्योंकि इस पास एक्सटर्नल एडेड फैसिलिटीज नहीं है जिसके लिए उसको अलग से दूसरे रजिस्टर की जरूरत हो। माइक्रो कंट्रोलर में देखते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर में कंटेंस जनरल रजिस्टर ऑल्सो एज वेल एज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन भी करता है, टाइमर का भी फंक्शन करता है, इंटरप्ट का भी फंक्शन करता है, सीरियल कम्युनिकेशन का भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उससे रिलेटेड इसके पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी है जिसको SFRs बोलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर कंटेंस जनरल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, एडिशनल दैट इट कंटेंस, और एडिशनल इसके पास ये सारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं। टाइमर, डू नॉट हैव इनबिल्ट टाइमर, इसके पास कोई टाइमर नहीं होता है, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट टाइमर है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, कोई इनबिल्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर में, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल, रिक्वायर्स एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक जैसे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस 8155 8255 की जरूरत पड़ती है अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस जोड़ना है माइक्रो प्रोसेसर से, क्योंकि उसके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, यहाँ से पोर्ट्स लेना पड़ता है उसको। और माइक्रो कंट्रोलर में जैसे कि हम लोग कल स्टडी कर चुके थे पहले लेक्चर में, 4 पोर्ट्स अवेलेबल है, 32 पिन है इसके पास, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर अवेलेबल। सीरियल पोर्ट, डू नॉट हैव इनबिल्ट सीरियल पोर्ट, इसके पास भी सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट नहीं होता है माइक्रो प्रोसेसर में, इसके लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे 8251 8250 लगता है सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए, यहाँ पे इसके पास इनबिल्ट सीरियल पोर्ट अवेलेबल है। मल्टी फंक्शन पिन, जैसे कि मैंने पिन डायग्राम में पहले लेक्चर में बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर में कितनी सारी पिन मल्टी फंक्शन का काम करती है, सिर्फ एक पोर्ट वन को छोड़ के, सिर्फ एक पोर्ट वन को छोड़ के बाकी सारे पिन मल्टी फंक्शन पिन का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैनी मल्टी फंक्शन पिन आर अवेलेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर पे मैनी मल्टी फंक्शन पिन आर अवेलेबल, लेस मल्टी फंक्शन पिन आर अवेलेबल। बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन नहीं होता। बुलियन ऑपरेशन का मतलब ये होता है वो ऑपरेशन जो सिंगल बिट पे किया जाए, तो यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन पॉसिबल है माइक्रो कंट्रोलर में, सिंगल बिट पे ऑपरेशन कर सकते हो।
तो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन जैसे यूज़ होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर्स में, पर्सनल यूजेस में। और माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज़ होता है वो डेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज़ होता है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन में, ऑटोमोबाइल्स कंपनी, एम्बेडेड सिस्टम, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस। तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो जनरली हर जगह पर यूज़ होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो स्पेशल टास्क के लिए यूज़ होता है, स्पेशल अपना डेडिकेटेड टास्क के लिए यूज़ होता है, जैसे ऑटोमोबाइल, वॉशिंग मशीन और भी सब इसके जो एप्लीकेशंस है। तो आई होप ये कंपैरिजन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेट एनी फोर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ये फीचर्स के बारे में पूछा था, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स के बारे में पूछा था, व्हाट आर द फीचर्स स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे फीचर्स में हम लोग देखते हैं जैसे क्या क्या है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। तो 8051 में माइक्रो कंट्रोलर में डेटा बस की जो साइज है, डेटा बस जो डेटा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो कितना है, 8 बिट। तो वो हिसाब से ये माइक्रो कंट्रोलर को 8 बिट ALU भी कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, यानी एट अ टाइम ये जो डेटा हैंडल करने की कैपेसिटी है उसकी कितनी, 8 बिट। बिकॉज क्योंकि इसके पास डेटा बस की जो साइज है वो कितनी बिट की, 8 बिट की है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे इसके पास एड्रेस बस, जो एड्रेस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं वो कितनी बिट्स है, 16 बिट एड्रेस बस। तो 16 बिट एड्रेस की वजह से मैंने कल जैसे कि बताया था अपने लेक्चर वन में, बताया था मैंने पहले लेक्चर में, कितनी मेमोरी तक एक्सेस कर सकता है वो, 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी तक एक्सेस कर सकता है, रैम एंड रोम एज वेल एज जो भी है। तो 16 बिट एड्रेस की वजह से मैक्सिमम जो मेमोरी एक्सेस कर सकता है 8051, वो 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी तक एक्सेस कर सकता है। और इनबिल्ट पहले से रैम कितना होता है इसके पास, 128 बाइट्स। तो रैम मेमोरी को दूसरा नाम क्या कहते हैं, डेटा मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मेमोरी जिसको बोलते हैं डेटा मेमोरी। ऑन चिप रोम, पहले से ये आईसी में रोम कितना मिलता है हम लोग को, 4 किलोबाइट ऑफ रोम मिलता है, उस रॉम मेमोरी को हम लोग प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। इसके पास पोर्ट्स कितने सारे, 8 बिट, 4 8 बिट बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन्स। तो कल हम लोगों ने पिन डायग्राम में देखे थे 32 पिन्स जो है वो किसमें डिवाइड हुआ है, 4 पोर्ट्स में डिवाइड हुआ है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। हर पोर्ट की जो बिट्स है वो कितनी बिट्स की है, 8 बिट की है। तो इस तरीके से 32 बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पिन्स बोल सकते हैं, या 4 8 बिट बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए सीरियल पोर्ट भी रहता है, सीरियल पोर्ट उसको बोला जाता है UART, यानी यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर सीरियल पोर्ट। तो एक सीरियल पोर्ट भी इसके पास जिसके थ्रू सीरियली डेटा रिसीव होता है, सीरियली डेटा ट्रांसमिट होता है। तो वन सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए 1 UART भी है, सीरियल पोर्ट भी है इसके पास। टाइमर्स ऑपरेशन करने के लिए 2 16 बिट के टाइमर्स है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। कल इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया था लेक्चर 1 में, TL0, TH0, TH1, TL1, दो टाइमर्स है 16 बिट के। ये पर्टिकुलर क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, 8051 11.0592 MHz क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। दूसरी बात, एडिशनल फैसिलिटी इसके पास पावर सेविंग ऑप्शन मोड भी है, पावर सेविंग मोड। अगर जब माइक्रो कंट्रोलर आइडल स्टेट में बैठा हुआ है, जब कोई टास्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे आप उसका पावर भी सेव कर सकते हो। वेन माइक्रो कंट्रोलर एम्प्टी बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, टास्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे आप उसका पावर भी सेव कर सकते हो। और इसके अलावा इसके पास 6 इंटरप्ट्स अवेलेबल है, रिसेट को पकड़ के 6 इंटरप्ट्स है, रिसेट है, 2 इंटरप्ट्स टाइमर के है, टाइमर 0 टाइमर 1, 2 इंटरप्ट एक्सटर्नल हार्डवेयर है, INT 0 INT 1, और एक सीरियल कम्युनिकेशन करने का एक इंटरप्ट है। तो इस तरीके से टोटल 6 इंटरप्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन 8051। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन आपके अवेलेबल है, डिपेंडिंग करता है मार्क्स के ऊपर, मार्क्स के हिसाब से कितने मार्क्स का पूछ रहा है, आप सारे ये स्पेसिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का, ये यहाँ पे दिया हुआ था, डिफाइन द टर्म बस रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस। तो बस क्या होती है, ये माइक्रो प्रोसेसर टर्म माइक्रो कंट्रोल टर्म में बस का मतलब क्या होता है। तो बस इज नथिंग बट अ बस इज अ सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड पेरीफेरल। तो CPU माइक्रो प्रोसेसर और पेरीफेरल्स के डिवाइस में बीच में जो कनेक्शन जो होता है, फिजिकल कनेक्शन जो होता है, उसको कहते हैं बस। तो बस क्या है, एक फिजिकल वायर कनेक्शन है, जो वायर जो कनेक्शन हम लोग करते हैं प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में, उस वायर को, उस फिजिकल कनेक्शन को हम लोग कहते हैं बस। तो 8 बिट डेटा बस मतलब 8 बिट की बसेस वायर्स कनेक्ट की हुई रहती हैं, 16 बिट बसेस मतलब 16 बिट के एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट किए हुए रहते हैं। तो बस इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वायर, ग्रुप ऑफ वायर्स जो फिजिकल कनेक्शन करते हैं बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल्स। तो ऐसे कितने टाइप्स के बसेस हैं माइक्रो कंट्रोलर में, एड्रेस बस है जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, डेटा बस जो डेटा इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, और कंट्रोल बस जो कंट्रोल कमांड कैरी करते हैं यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर से पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। तो ये 3 टाइप के बसेस अवेलेबल है माइक्रो कंट्रोलर में, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस।
नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कंपैरिजन भी, कंपेयर भी पूछा हुआ था, कंपेयर बिटवीन एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो जैसे हम लोग ने ऊपर देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स की बसेस क्या होती है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, तो यहाँ पे 2 मार्क्स में अलग से सेपरेट क्वेश्चन एक पूछा हुआ था, और कंपेयर बिटवीन एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो एड्रेस बस का मतलब क्या होता है, वो बसेस जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन खाली कैरी करती है, अब बस डेट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी, यानी वो पर्टिकुलर लाइंस, वो कनेक्शन जो हम लोग को सिर्फ क्या बताती है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन बताती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माइक्रो कंट्रोलर के साथ में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो कौन से डिवाइस को अभी एड्रेस करना है, कौन से डिवाइस को हम लोग को अभी उसको इन्फॉर्मेशन लेना है या चाहिए, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी कहाँ पे जाए, माइक्रो कंट्रोलर किधर पे जाए, तो वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं एड्रेस बसेस। तो यानी वो पर्टिकुलर डिवाइस पे जाना है तो एड्रेस के थ्रू वहां तक वो डिवाइस तक पहुंच जाएंगे, तो एड्रेस बस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचते हैं। तो अब बस दैट इज यूज टू स्पेसिफाई जो क्या बताता है, फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी। और डेटा बस का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा आपको रीड करना है, राइट करना है, वो पर्टिकुलर ये बस के थ्रू ही ट्रेवल होता है। अब बस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा अमंग कंपोनेंट्स। तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर और उस डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है वो डेटा बस के थ्रू आता जाता है। तो एड्रेस बस कैसा होगा, यूनिडायरेक्शन, क्योंकि सिर्फ ये माइक्रो कंट्रोलर एड्रेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल ही होगा, वन वे होगा, फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू अदर डिवाइसेस। और ये डेटा बस का कैसा होगा, बाई डायरेक्शन, इट इज बाई डायरेक्शन इन नेचर। क्यों, क्योंकि डेटा रीड भी होगा, राइट भी होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर को भी चाहिए रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर भी भेजेगा भी, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शन है डेटा बस, और इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनि डायरेक्शन है। और ये क्या चीज के लिए यूज करते हैं, हेल्प टू ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा इन इनपुट आउटपुट। ये अपने को काहे के लिए यूज करना पड़ता है, एड्रेस बस को टू ट्रांसफर एड्रेस, टू ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस। और ये काहे के लिए यूज करते हैं, डेटा बस को हेल्प टू सेंड एंड रिसीव डेटा, डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए, सेंड और रिसीव करने के लिए ये डेटा बस का यूज होता है। 8051 में डेटा बस की साइज कितनी है, एड्रेस बस की साइज कितनी है, 16 बिट है, और यहाँ पे डेटा बस की साइज कितनी है, 8 बिट है। तो ये आपको कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंपैरिजन पे आते हैं हम लोग, कंपेयर बिटवीन वॉन न्यूमन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर टाइम पूछता है, कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, यानी तो कंपेरिजन में पूछता है। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है वो हम लोग अभी अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली हार्वर्ड आर्किटेक्चर ये माइक्रो कंट्रोलर में फॉलो होता है, और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ये माइक्रो प्रोसेसर में फॉलो होता है। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जो मैं जैसा कि मैं बताया कि रैम मेमोरी और रोम मेमोरी दोनों भी होती है, तो यहाँ पे हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट सेपरेट मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी सेपरेट होती है, डेटा मेमोरी सेपरेट होती है, और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में एक ही मेमोरी के दोनों का काम करती है, प्रोग्राम एज वेल एज डेटा मेमोरी। तो सीपीयू से प्रोग्राम मेमोरी भी अलग सेपरेट कनेक्ट होती है, डेटा मेमोरी भी सेपरेट कनेक्ट होती है, किसमें, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में सीपीयू से वो एक ही मेमोरी जो है वो प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी दोनों का काम कर रही है। तो क्या होता है इसमें, अगर सेपरेट सेपरेट होने की वजह से, सेपरेट सेपरेट होने की वजह से यहाँ पे डेटा बस भी अलग होंगे डेटा मेमोरी के लिए, एड्रेस बस भी अलग होंगे। तो दोनों मेमोरी के लिए एड्रेस बस डेटा बस सेपरेट सेपरेट है, यहाँ पे दोनों मेमोरी के लिए एड्रेस बस एंड डेटा बस सेम ही है, क्योंकि एक ही मेमोरी के अंदर ये सब काम हो रहा है, टास्क हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेरिजन, पहले तो आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, एक्सप्लेनेशन करना डायग्राम के थ्रू ही आप लोग एक्सप्लेनेशन करना। द हार्वर्ड आर्किटेक्चर, यहाँ पे क्या दिया हुआ, द हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूजेस फिजिकली सेपरेट मेमोरीज फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो इंस्ट्रक्शन के लिए और डेटा के लिए अलग अलग सेपरेट मेमोरी यूज होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। यहाँ पे द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर यूजेस सिंगल मेमोरी फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए भी ये सिंगल मेमोरी ही यूज करता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। यहाँ पे फिर क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग मेमोरी यूज करें तो दोनों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड बसेस भी होंगे, तो रिक्वायर सेपरेट एंड डेडिकेटेड बसेस फॉर मेमोरीज एंड इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एड्रेस बस एंड डेटा बस दोनों मेमोरी के लिए अलग है, यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, रिक्वायर सिंगल बस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, दोनों मेमोरी के लिए एड्रेस बस डेटा बस सेम ही है। इसका डिजाइन कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वायर्स बढ़ जाएंगे, दोनों सेपरेट मेमोरी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एड्रेस बस डेटा बस है, तो इसका जो डिजाइन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। और इसका डिजाइन कैसा रहेगा, सिंपल है, क्योंकि दोनों मेमोरी के लिए एक ही टाइप के, एक ही नंबर ऑफ बसेस यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर जब दोनों भी सेपरेट मेमोरी है तो एक टाइम पे आप दोनों का इंस्ट्रक्शंस रीड और राइट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी फेच साइमल्टेनियसली, यानी इंस्ट्रक्शन भी और डेटा भी एक साथ साइमल्टेनियसली आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे दोनों मेमोरी एक होने की वजह से इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन नॉट बी फेच साइमल्टेनियसली, यहाँ पे सिक्वेंशियली होगा, एक के बाद एक होगा, यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑपरेशन ही पॉसिबल है, यहाँ पे साइमल्टेनियस ऑपरेशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों मेमोरी अलग होने की वजह से। तो ये सब कंपेरिजन बता सकते हो आप लोग, कंपेरिजन बिटवीन।
नेक्स्ट अभी आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, कंपेयर एनी थ्री डेरिवेटिव ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑन द बेसिस ऑफ रैम, रोम, टाइमर एंड इंटरप्ट्स। तो ये जो क्वेश्चन है, कल मैंने अपने लेक्चर वन में एक्सप्लेनेशन दे दिया था। लेक्चर वन में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ 8051। तो कल हम लोग ने देखे थे 8051, 8052, 8031, ये तीनों इंटेल मैन्युफैक्चरर्स के थे। और ये 8952 मतलब 8952 एटमेल का है। तो कोई भी तीन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने ये लेक्चर वन में एक्सप्लेनेशन आपको कंपैरिजन दिया था। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से पैरामीटर पे कंपेयर करना है, रैम, रोम, टाइमर एंड इंटरप्ट्स। तो 8051 में रैम कितना है, 128 बाइट, रोम कितना है, 4 किलो बाइट। तो वही 8052 में रैम उसका डबल है, 256, और रोम भी उसका डबल है, 8 किलो बाइट। और 88952 सेम 8052 के जैसे ही है, बस ये एटमेल का है और ये इंटेल का बना हुआ है। बाकी दोनों के पॉइंट्स आपको देखोगे तो सेम ही आएंगे। 8031 में पहला पुराना वर्जन था तो 128 बाइट्स था, लेकिन रोम मेमोरी नहीं था वहाँ पे। बाकी इधर पे टाइमर्स में आप लोग देखोगे तो 8051 में टाइमर्स कितने हैं, 2, लेकिन 8052 उसका एडवांस वर्जन है तो 3 टाइमर्स है। 88952 बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है तो 3 टाइमर्स है। 8031 में 2 ही टाइमर्स थे। इंटरप्ट्स में 8051 में कितने इंटरप्ट्स थे, 6। 8052 में एडवांस वर्जन है उसके इंटरप्ट्स कितने, उसके अंदर 8 है, 8, और यहाँ पे 8031 में कितने, 6। तो ये कंपैरिजन आपको मैंने जो लेक्चर वन में समझाया था, वही सेम कंपैरिजन यहाँ पे भी पूछा हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इस तरीके से आपको 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर से रिलेटेड ये भी यही था, स्टेट द अल्टरनेट पिन फंक्शन ऑफ पोर्ट 3 ऑफ 8051। तो ये हम लोग ने कल भी हम लोग ने डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया था कि पोर्ट 3 के वो अल्टरनेट फंक्शंस क्या क्या है जो नॉर्मल पोर्ट के अलावा और क्या क्या काम करता है। तो कल पिन डायग्राम लेक्चर वन के एक्सप्लेनेशन में मैंने ये आपको दिया था कि पोर्ट 3 के अल्टरनेट फंक्शंस क्या क्या है। तो पोर्ट 3.0 से लेके पोर्ट 3.7 तक यही सीरियल मैनर में आपको लिखना है, एक भी पिन का ऊपर नीचे का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो पोर्ट 3.0 RxD मतलब सीरियली रिसीव डेटा इनपुट पिन, P3.1 मतलब TXD सीरियली ट्रांसमिट डेटा आउटपुट पिन, P3.2 INT0 बार एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, P3.3 INT1 बार एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। P3.4 टाइमर 0, टाइमर 0 एक्सटर्नल इनपुट, P3.5 टाइमर 1 एक्सटर्नल 1, टाइमर 1 एक्सटर्नल इनपुट, P3.6 राइट बार एक्सटर्नल डेटा मेमोरी राइट स्टॉप, और P3.7 रीड बार एक्सटर्नल डेटा मेमोरी रीड स्टॉप। तो ये अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट 3 आपको इसी मैनर में लिखना है, P3.0 से P3.7, और ये इसके पर्टिकुलर नेम और इसके अल्टरनेट फंक्शन जो टास्क जो कर रहा है। तो ये पोर्ट जितने भी पिन्स का एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर वन में अच्छे से आपको दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे बोर्ड में जो कवर है उसको वापस से इधर पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पिन्स ऑफ 8051। यहाँ पे पिन का नाम नहीं दिया, यहाँ पे पिन नंबर में दिया हुआ है, पिन नंबर में दिया हुआ है, यानी आपको पिन नंबर याद रहना चाहिए कि वो पिन नंबर कौन सी क्या है। तो पिन 31, पिन 29, पिन 21 टू 28, ये सब पिन कौन सी पिन है माइक्रो कंट्रोलर की वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नेमिंग नहीं दिया हुआ है। तो पिन 31 माइक्रो कंट्रोलर की ये कौन सी पिन है, एक्सटर्नल एक्सेस पिन है। इसके बारे में कल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, एक्सटर्नल एक्सेस पिन कब यूज होती है, जब आपको एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करना होता है माइक्रो कंट्रोलर से। तो जब आपको एक्सटर्नल रॉम मेमोरी यूज करना है तो उस पर्टिकुलर केस में ये EA बार पिन को क्या करना होता है, 0 करना होता है, क्योंकि ये एक्टिव लो पिन है। यानी ये कब एनेबल होती है, जब इसको 0 देंगे। तो इट इज एन एक्टिव लो इनपुट ऑफ 8051 व्हेन EA इज इक्वल टू 0, देन 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। तो एक्सटर्नल रॉम मेमोरी से वो डेटा को एक्सेस करेगा। अदरवाइज अगर आपको इंटरनल रॉम मेमोरी यूज करना है तो उस केस में EA बार को VCC पे कनेक्ट करना होता है, यानी 1 पे कनेक्ट करना होता है। तो पिन नंबर 31 इज एक्सटर्नल एक्सेस पिन। और फिर उसके बाद दूसरा पिन नंबर 29 के बारे में पूछा था, तो पिन नंबर 29 इज PSEN बार प्रोग्राम स्टोप एनेबल बार। तो ये भी क्या है, दिस इज एन आउटपुट पिन, या आउटपुट पिन है प्रोग्राम स्टोप एनेबल। यहाँ पे PSEN का फुल फॉर्म दिया हुआ है, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। इट इज ऑल्सो एक्टिव लो, ये भी एक्टिव लो इनपुट, एक्टिव लो आउटपुट पिन है, यानी ये आउटपुट पिन है, यहाँ से डेटा जाता है एक्टिव लो। इट इज यूज टू एनेबल एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, जब आप एक्सटर्नल मेमोरी को जोड़ रहे होते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, इंटरफेस कर रहे होते हो, तो ये पर्टिकुलर केस में PSEN बार को कनेक्ट करना होता है उस कहाँ पे, मेमोरी के आउटपुट एनेबल पिन पे, मेमोरी के आउटपुट एनेबल पिन पे। तो वो मेमोरी क्या हो जाता है, एनेबल हो जाता है। तो PSEN को कनेक्ट करना होता है एक्सटर्नल रॉम की OE पिन से। बाकी पिन 21 टू 28, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, A8 टू A15, ये हाई ऑर्डर एड्रेस बस है जो नॉर्मल पोर्ट 2 के साथ में काम करती है। तो पोर्ट 2 के साथ में हायर ऑर्डर एड्रेस बस का पिन भी काम करता है, हायर एड्रेस इन्फॉर्मेशन को भी कैरी करता है।
नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्केच द इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इन 8051. यानी अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 हम लोग को यहाँ पे स्केच करना है, ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेनेशन भी देना है. स्केच द इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051. तो इंटरनल मेमोरी ऑफ 8051 को एक्सप्लेन करने से पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 कैसा होता है. तो सबसे पहले मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 में, जैसा कि हम लोग को पता है, 8051 की मेमोरी जो कंसिस्ट होती है वो इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, खुद की इंटरनल इनबिल्ट मेमोरी कितनी है और एक्सटर्नल आप लोग कितना उसको जोड़ सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. तो स्पेसिफिकेशन में हम लोग ने देख चुके थे इंटरनल मेमोरीज ऑफ 8051 क्या क्या है. 128 बाइट्स ऑफ रैम मेमोरी है और 4 किलो बाइट्स ऑफ रॉम मेमोरी है. तो इंटरनल मेमोरी यानी इनबिल्ट जो मेमोरी 8051 में जो आती है पहले से, मैन्युफैक्चर जो देता है प्रोवाइड करता है, वो 128 बाइट्स ऑफ रैम देता है, 4 किलो बाइट्स ऑफ रॉम मेमोरी देता है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल मेमोरीज कितनी जोड़ सकते हो. तो एक्सटर्नल मेमोरीज जो हम लोग इंटरफेस कर सकते हैं 8051 से, वो कितनी तक इंटरफेस कर सकते हैं, 64 किलो बाइट. क्योंकि हम लोग ने देख चुके हैं कि एड्रेस बस कितनी है इसके अंदर 8051 में, एड्रेस बस है 16 बिट. तो 16 बिट एड्रेस बस के हिसाब से 64 किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी तक आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेस. तो वो 64 किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है वो प्रोग्राम मेमोरी भी होगी और डेटा मेमोरी भी होगी, क्योंकि दोनों मेमोरी सेपरेट होती है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है 8051. तो 64 किलो बाइट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी एंड 64 किलो बाइट ऑफ रॉम मेमोरी, डेटा मेमोरी. तो यहाँ पे आप लोग ये देख लिए प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी. अब इसका यहाँ पे डायग्राम में हम लोग ने इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरीज, दो एक्सटर्नल मेमोरी जो रहेगी, दोनों का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस कहाँ से होगा, 000H से लेके FFFFH, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है. 16 बिट है, तो 16 बिट का जो है वो चार सब 16 बिट जीरो रहेंगी. तो पहला मेमोरी लोकेशन क्या बनेगा, हेक्साडेसिमल में 000H. और लास्ट एड्रेस मेमोरी के लिए जब सारी एड्रेस लाइन यूज होगी, तो सारी एड्रेस लाइन यूज होगी तो यानी सारी 1-1 होगी. तो सारी 1-1 होगी तो 16 का जो हेक्साडेसिमल फॉर्म होगा 16 बिट का, वो क्या होगा, FFFFH. तो ये लास्ट एड्रेस है मेमोरी लोकेशन का. तो इंटरनल मेमोरी में जैसा कि हम लोग ने देखे थे कि इंटरनल मेमोरी यहाँ पे कितनी है, 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम मेमोरी है और 4 किलो बाइट्स ऑफ इंटरनल रॉम मेमोरी है. तो रैम मेमोरी के लिए कितनी एड्रेस लाइन यूज होगी, 7 एड्रेस लाइन यूज होगी, क्योंकि 2 रेस्ट टू द पावर 7 कितना होता है, 128 बाइट्स. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे किया है आप लोग के लिए, इधर पे मैं इधर पे समझा देता हूँ आप लोग को. जैसे कि यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है 2 रेस्ट टू द पावर 7, 2 रेस्ट टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना होता है, 128. तो अगर आप लोग को 128 बाइट ऑफ रैम मेमोरी यूज करना है तो उसके लिए कितनी नंबर ऑफ एड्रेस बस यूज होगी, तो देर आर 7 नंबर ऑफ एड्रेस बस रिक्वायर टू एक्सेस 128 बाइट्स ऑफ रैम. तो यहाँ पे 7 के लिए आपको लो ऑर्डर एड्रेस यूज करना पड़ेगा, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. तो A0 से लेके A7 ये लो ऑर्डर एड्रेस बस है. अब उसमें आप कितनी एड्रेस बस को यूज कर रहे हो, 7. तो A0 से लेके A6 तक, A0 से लेके A6 तक सब क्या होगी, 1. लास्ट वाला A7 वाला क्या रहेगा, 0. तो अगर आप हेक्साडेसिमल कोड उसका प्रिपेयर करोगे, हेक्स कोड, तो 0111, तो 0111 बाइनरी में उसका हेक्स कोड कितना होता है, 7. और इसी तरीके से ये जो चारों वन है, तो चारों वन का हेक्साडेसिमल कोड कितना होता है, F. तो लास्ट एड्रेस जो रहेगा इंटरनल रैम मेमोरी का वो 7FH रहेगा, 7FH. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इधर पे दिया हुआ है. तो 00H ये पहला मेमोरी लोकेशन है और 7FH ये इसका लास्ट मेमोरी एड्रेस होगा 128 बाइट रैम में. और बाकी 4 किलो बाइट में, 4 किलो बाइट में 12 एड्रेस लाइन यूज होगी. तो लास्ट एड्रेस इसका जो बनेगा 0FFFH. और फर्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या रहेगा, 000H. तो ये इंटरनल मेमोरीज का एक्सप्लेनेशन था. और ये जो नीचे आप लोगों का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है ये एक्सटर्नल मेमोरीज के रिलेटेड, तो एक्सटर्नल मेमोरी में प्रोग्राम मेमोरी भी 64 किलोबाइट रहेगा, डेटा मेमोरी भी 64 किलोबाइट रहेगा. तो इसका फर्स्ट एड्रेस लोकेशन क्या रहेगा, 000H. लास्ट एड्रेस लोकेशन क्या रहेगा, FFFH. यहाँ पे भी प्रोग्राम मेमोरी में भी वैसे ही होगा, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस 000H और लास्ट मेमोरी का एड्रेस FFFH. तो इस तरीके से ये बाइफरकेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल में. नाउ 8051 का रॉम ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. तो रॉम ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि आपको पता है, अगर इंटरनल रॉम यूज करना है तो इंटरनल रॉम यूज करने के लिए आपको ईए बार को कहाँ पे कनेक्ट करना है, 1. तो ईए बार को 1 कनेक्ट करके हम लोग इंटरनल रॉम मेमोरी को यूज कर लेंगे जो 4 किलोबाइट है. तो उसके बाद 60 किलोबाइट जो रिमेनिंग वो एक्सटर्नल मेमोरी यूज होगा, 1000H से लेके लास्ट FFFH. और अगर आप डायरेक्टली ईए बार को 0 कर देते हो तो आप सीधा डायरेक्टली एक्सटर्नल रॉम मेमोरी को यूज करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी एड्रेस 000H टू लास्ट मेमोरी एड्रेस FFFH. तो ये 8051 का रॉम ऑर्गेनाइजेशन था. अब इसके बाद हम लोग
नाउ अभी हम लोग आ जाते हैं इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन में। अभी इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन जो 128 बाइट्स ऑफ रैम है 8051 का, वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, वो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा अभी आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 जो 128 बाइट्स का रैम है, वो मेनली डिवाइड हुआ है थ्री सेक्शन में, तीन सेक्शन में। एक सेक्शन जो है वो रजिस्टर बैंक्स है, यानी जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज होते हैं 8051 में, जो हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो रजिस्टर्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू भेजते हैं, ट्रांसफर होता है, तो रजिस्टर बैंक से जहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स नजर आएंगे। बिट एड्रेसेबल एरिया, यानी वो सेक्शन एरिया जो बिट एड्रेसेबल है, सिंगल बिट एड्रेसेबल वाला सेक्शन है, बुलियन ऑपरेशन वाला बिट एड्रेसेबल एरिया। और लास्ट जो आप लोगों को सेक्शन जो नजर आएगा वो स्क्रैच पेड एरिया, जहाँ पर रफ वर्क आप कर सकते हो, स्क्रैच पेड एरिया। तो ये टोटल 128 बाइट्स यानी 00H मेमोरी लोकेशन से लेके 7FH मेमोरी लोकेशन, ये डिवाइड हुआ है तीन सेक्शंस में। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये पूरा 128 बाइट्स का जो सेक्शन, 128 बाइट्स का जो रैम है वो डिवाइड हुआ है रजिस्टर बैंक्स। जो रजिस्टर बैंक ऑक्यूपाई होता है वो कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, 32 बाइट्स ऑक्यूपाई हो रहा है रजिस्टर बैंक सेक्शन में, 16 बाइट्स ऑक्यूपाई हो रहा है बिट एड्रेसेबल एरिया में, और रिमेनिंग 80 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो रहा है फॉर स्क्रैच पेड एरिया, रफ वर्क करने के लिए, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, जहाँ पे स्पेशल ऐसे पा जहाँ पे हम लोग रफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो ये रजिस्टर बैंक्स में भी 8051 में टोटल फोर रजिस्टर बैंक्स है। बैंक मतलब क्या, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, तो इसके लिए उसको बोलते हैं रजिस्टर बैंक, यानी ग्रुप ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर, इसलिए उसका नाम दिया हुआ रजिस्टर बैंक्स। तो इन 8051 देर आर टोटल फोर रजिस्टर बैंक्स, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, और हर बैंक की जो साइज है वो 8 बाइट है। यानी 8051 में टोटल जो 8 रजिस्टर्स है नेमिंग फ्रॉम R0 टू R7, और हर रजिस्टर जो है वो 1 बाइट का है, 1 बाइट, 1 बाइट मीन्स 8 बिट, 8 बिट के ये हर एक रजिस्टर्स है। तो ऐसा करेंगे R0 टू R7, तो यहाँ काउंट करेंगे तो 8 बाइट्स ये हो गए। तो यही सेम रजिस्टर R0 टू R7 अलग एड्रेस के लिए भी यूज होते हैं, जिसको बैंक 1 बोलते हैं। यानी यही R0 टू R7 एड्रेस रेंजिंग फ्रॉम 00H टू 07H, ये 8 बाइट्स हो गए। फिर उसके आगे नेक्स्ट 8 बाइट बैंक 1 को डिजिग्नेट करते हैं, बैंक 1 को बिलोंग करते हैं, जिसका मेमोरी लोकेशन एड्रेस 08H से लेके कहाँ तक हो गया, 0FH तक हो गया। 0F हेक्साडेसिमल, FH यानी डेसिमल में कितना होता है, 16। तो 8 बाइट ये, 8 बाइट ये, 16 बाइट यहाँ पे हो गया। फिर बैंक 2 में अगेन 8 बाइट्स नजर आएंगे, जिसका एड्रेस 10H से लेके 17H है। फिर उसके ऊपर बैंक 3 में अगेन 8 बाइट ऑफ रजिस्टर्स है, 8 बाइट रजिस्टर, यहाँ पे उसका एड्रेस जो है वो 18H से लेके 1FH। तो यानी 00H से लेके 1FH जो 32 बाइट्स है वो रजिस्टर बैंक्स में ऑक्यूपाइड किया हुआ है, वो रजिस्टर बैंक्स में ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और हर बैंक की साइज 8 बाइट है, 8 बाइट। R0 टू R7 ये 8 बाइट्स रजिस्टर यूज हुए, और हर रजिस्टर की जो साइज है वो 1 बाइट है, यानी 8 बिट है। फिर उसके बाद जो 16 बाइट्स ऑक्यूपाइड किया हुआ है एड्रेस रेंजिंग फ्रॉम 20 to 2F, वो बिट एड्रेसेबल एरिया है। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 80 बाइट्स है, जिसका एड्रेस स्टार्ट होता है 30H से लेके 7FH, वो यूज होता है स्क्रैच पैड एरिया, यानी रफ वर्क, कुछ रफ वर्क करने के लिए, टेम्पररी डेटा स्टोरेज करने के लिए ये यहाँ पे यूज होता है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रजिस्टर बैंक ऑक्यूपाइज 32 बाइट्स ऑफ रैम हैविंग एड्रेस रेंज फ्रॉम 00 टू 1FH, बिट एड्रेसेबल सेक्शन ऑक्यूपाइज 16 बाइट, जिसका एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 से 2FH, लास्ट वाला जो स्क्रैच पैड एरिया है वो 80 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है, जिसका एड्रेस रेंज होता है 30H से लेके 7FH तक। तो यही चीज हम लोग के बोर्ड के क्वेश्चन में भी यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि मैंने बताया, रजिस्टर्स R0 टू R7, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, ये सब अलग अलग बैंक्स का नाम है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, यहाँ पे उसने नेमिंग में गलत किया हुआ, ये बैंक 2 है और ये बैंक 3 है। तो 00H से लेके 1FH तक ये रजिस्टर बैंक्स यूज होते हैं, 20H से लेके 2FH तक ये 16 बाइट बिट एड्रेसेबल एरिया है, और 30H से 7FH ये जनरल पर्पस स्क्रैच पैड एरिया है। तो इस तरीके से ये थ्री सेक्शन में आपका 128 बाइट्स डिवाइड किया हुआ है, 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 80 128 बाइट्स ऑफ रैम, इस तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है, बाइफरकेट किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।